जय श्री बालाजी। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सपीरा में। मैं बजरंग बाबा आज आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई राशिफल 2023 मीन राशि वालों के लिए। राहु बृहस्पति मेष राशि के द्वितीय भाव में, सूर्य बुध मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में, शुक्र कर्क राशि का पंचम भाव में, मंगल सिंह राशि के छठे भाव में, केतु तुला राशि का अष्टम भाव में, चंद्रमा वृश्चिक राशि का नवम भाव में, शनि कुंभ राशि के बारहवें भाव में विचरण करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की दिनांक 1-2 को। पारिवारिक वातावरण खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा। समय सफलता प्रद है। अपनी योग्यता काबिलियत व परिश्रम के बल पर आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। आपका रुझान धार्मिक कार्यकलापों में व समारोहों से ज़्यादा रहेगा। 3 व 4 तारीख को जोखिम भरे कामों से दूरी बनाए रखें। हालांकि किसी बड़े अधिकारी या राजनेता से आपका संपर्क व संबंध उन्नति के रास्ते खोल देगा। नौकरी इंटरव्यू प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। आजीविका व काम काज में विस्तार की योजना पर काम होगा। 5 व 6 तारीख को रुपये पैसों की आवक होगी। आर्थिक रूप से आप सक्षम व सदृढ़ स्थिति में रहेंगे। कहीं से उधार दिया हुआ या रुका हुआ रुपया प्राप्त होगा। 8 जुलाई से 15 जुलाई तक दिनांक 8 को पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। आपके अपने लोग ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। रुपये पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें। 9 व 10 को चंद्रमा आपकी राशि में चलामान होकर सफलता के रास्ते खोल देगा। व्यापार में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से चली आ रही चिंता तनाव से कुछ राहत महसूस करेंगे। आपके करीबी लोग हर मुसीबत से आपको बचाएंगे। 13 से 15 जुलाई के मध्य आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ स्थिति में रहेंगे। नौकरी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी उन्नति के रास्ते खोल देगी। अब बात करते हैं 16 जुलाई से 23 जुलाई तक की। 16 व 17 तारीख को घर में कलहपूर्ण व तनाव का वातावरण रहेगा। जीवन साथी से मनमुटाव व गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। मित्र व शुभचिंतकों का संयोग मिलता रहेगा। आर्थिक मामलों में आपका हाथ जरा सा तंग रहेगा। घर के किसी सदस्य के कारण अस्पताल जाना पड़ सकता है। 18 से 20 जुलाई के मध्य आपको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। नई नौकरी की तलाश पूर्ण होगी। विद्यार्थी पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 21 व 22 को भाइयों से चले आ रहे विवाद का निपटारा होगा। व्याप्त गलतफहमियों का निराकरण होगा। कहीं से शुभ समाचार मिलेंगे। 23 जुलाई को बहुत सोच समझ कर कार्य करें। नए निवेश से बचें। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक दिनांक 24-25 को रोजमर्रा के हुआ दैनिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। स्वास्थ्य में कुछ नरमी और कार्यों में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। 25 की शाम से 27 जुलाई के मध्य वाणी व क्रोध पर नियंत्रण रखें। बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कुछ राजकीय परेशानी के योग भी बढ़ रहे हैं। आर्थिक उन्नति की रफ्तार बाधित होगी। 28-29 जुलाई को जीवन की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आएगी। शत्रु और षड्यंत्र लाख रचकर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। 30 व 31 को दफ्तर कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव दबदबा व रुतबा कायम रहेगा। मेहनत का फल प्राप्त करने का समय है। यश व ख्याति बढ़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। इस महीने शुभता को बढ़ाने के लिए हल्दी युक्त दूध का सेवन करें। एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में डालकर दाहिनी भुजा में बांधें। सुनेला युक्त गुरु यंत्र गले में धारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्र पाठ करें। रविवार और मंगलवार के अलावा नित्य पीपल को सींचें। आपको विशेष लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बजरंग बाबा जी से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके सवाल बालाजी दरबार।
आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बजरंग बाबा जी से जुड़ सकते हैं।